देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी सॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे व्हाइट कलर का 3 प्लाई का ऊन लिया है। दो कलर में बनाएंगे, व्हाइट और रेड। और 9 नंबर की मैंने यहाँ पे सलाई यूज की है। ऊन हमारा मुश्किल से 10 से 15 ग्राम लगेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। वीडियो में पूरा मैंने बताया है कि छोटा बड़ा आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे लेने हैं। फंदे हम कैसे डालेंगे, पहले फंदे को हमने यहाँ पे मैजिक लूप लेना है। सिंगल धागे से फंदे डालने हैं। 1 फंदे हो गए हैं, 2 और 1 3। 3 फंदे से हमने इसको शुरू करना है। यहाँ पे एक हम गांठ लगा देंगे। 3 फंदे हमने डालने के बाद यहाँ पे गांठ लगा दिया। अब देखिए, फंदे हमने 3 फंदे का 5 फंदा करना है, यानी बढ़ाना है फंदे। देखिए पहले फंदे को हमने ऐसे बुना, बीच वाले फंदे पे देखिए, बीच वाले फंदे पे हमने फंदे बढ़ाने हैं। ठीक, तो आप चाहें तो जाली बना सकते हैं, 2 फंदे बढ़ाने हैं, या तो आप ऐसे। तो देखिए हम यहाँ पे आपको नए तरीके से फंदे बढ़ाना बताएंगे। ऐसे हमने इस पर लपेटा सलाई पे, 1 फंदा यहाँ पे ऐसे बुन लिया उल्टा, फिर सलाई पे 1 फंदा ऐसे लपेटा और फिर इसको भी बुन लिया। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए। पीछे की साइड से हमारे देखिए जो भी फंदे हुए हैं, 5 फंदे हुए, 3 का 5 हो गया। अब तो इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। पीछे हमने फंदे को बढ़ाना नहीं है, सभी फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए फिर से हम आगे की साइड आ गए। तो यहाँ पे देखिए 1 फंदा बुना और यहाँ पे फंदा बढ़ गया। ठीक है, 2 फंदे बनाए, फिर से हम सेंटर वाले फंदे में हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बीच वाले फंदे में हैं, तो यहाँ पे हमने जाली बनाना है, यानी फंदे को बढ़ाना है। तो इसको देखिए, हमने इसके ऊपर फिर से ऐसे लपेटा, 1 फंदा ऐसे उल्टा बनाया, फिर 1 फंदा लपेटा, 1 फंदा उल्टा बनाया, लास्ट के फंदे को हम 1 फंदा ऐसे नॉर्मल उल्टा बना देंगे। फिर से देखिए पीछे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए हमारे फंदे ऐसे बढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 फंदे हो गए। स्टार्टिंग में 1 था, फिर हमने जाली बनाया था, अब यहाँ पे 3 फंदे हो गए। फिर हमने फंदे के ऊपर लपेटना, ये बीच वाला जो फंदा है, जब आप लोग बनाएंगे तो खुद ही पता चलेगा। देखिए जो सेंटर वाला फंदा है, उसके पहले हमने 1 फंदे लपेट लेना है। ये देखिए बनाया, फिर से 1 फंदा और लपेटेंगे इस साइड हमारा, ये 2 फंदा नॉर्मल बनाएंगे। पीछे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत इजी है ये डिज़ाइन, बहुत प्यारा सॉक्स बनकर आता है, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए फिर से हम आगे की साइड आ गए। तीन था, अब 4 फंदे हो गए। एक एक फंदे साइड साइड में बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर से एक बार लपेटा, 1 फंदा बनाया, फिर एक बार लपेटा, 2 फंदा बनाया। पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा, फिर से हम आगे की साइड आ गए।
एक बार लपेटा, एक फंदा बुना, फिर लपेटा, एक फंदा बनाया। बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बना ले रहे हैं नॉर्मल। पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाना। देखिए ऐसे ही हम बना बना के हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। हमने तब तक फंदे बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे यहाँ पे टोटल 23 फंदे ना हो जाए। यानी तीन फंदे से हम शुरू करेंगे, 20 फंदे हमने बढ़ाने हैं। देखिए जब सेंटर में हम आ जाएंगे, ये देखिए, तो उसके पहले एक फंदे हमने ऐसे बढ़ा लेना है, फिर उसके बाद जस्ट ऐसे लपेटेंगे और बुन लेंगे। ये बहुत इजी है। ऐसे जो लोग जाली डालने में कंफ्यूज होते हैं वो ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनेगा। अब चलिए हम इसको 23 फंदे तक ऐसे बना लेते हैं, जब तक हमारे 23 फंदे ना हो जाए। तो देखिए ऐसे ही ये जाली बनती हुई आएगी। तो चलिए 23 फंदे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सेकंड कलर रेड कलर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको तीन फंदे से शुरू करके टोटल 23 फंदे हमने यहाँ पे बना लिया। अब 23 फंदे बनाने के बाद हमने यहाँ पे सेकंड कलर जोड़ना है, रेड कलर। तो ये हम पीछे की साइड से हम जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हम तीन फंदे शुरू करके जब टोटल आपका 23 फंदे हो जाए तब आपने इसको जाली बनाना बंद कर देना है। तो अब यहाँ पर हम देखिए अपना दूसरा कलर लगाएंगे, रेड कलर। देखिए पीछे की साइड से हम ये रेड कलर को जोड़ लिए हैं। आप इसको सिंगल कलर में बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कैप का सेट बना रहे हैं इसलिए दो कलर में बना रहे हैं फ्रेंड्स। अब क्या करना है, हमने पीछे की साइड से ये दूसरा कलर लगा लिया। अब इसी को हमने बस बनाना है, इन 23 फंदे को ही सिर्फ हमने बनाना है। अब देखिए इसको हम कितनी लाइन बनाएंगे, इसको हम 3 से 4 इंच बनाएंगे। लेकिन अभी मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी कि कितनी हमने ये सलाइयाँ बनाई हुई है। दोनों साइड से हम इसको सिर्फ उल्टा उल्टा बनाएंगे, पीछे की साइड से भी उल्टा, आगे की साइड से भी उल्टा। और हमने कहीं भी फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सिंपल ये पट्टी अब तैयार कर लेनी है। ये देखिए फिर से हम आ गए अब आगे की साइड। वाइट कलर को आप कट भी कर सकते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है वाइट कलर की। अब देखिए ये पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतार लेना है, और उनको ऐसे पीछे की साइड से ला के सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए फंदे उतारने से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमारी चैन सी बनती हुई जाती है, ठीक है, इसलिए फिनिशिंग अच्छी आती है। अब देखिए सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा, तो चलिए हम इसको 3 से 4 अंगुल बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी पट्टी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए कितनी नॉर्मल सी पट्टी हमने यहाँ पे ये फंदे बढ़ाते हुए बनाए थे। यहाँ पे 23 फंदे के बाद हमने देखिए फंदा बढ़ाना शुरू कर दिया और जाली को हमने यहाँ पे बंद कर दिया था। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये 27 धारी बनाए हुए हैं। ये जो जैसे हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही हमने ये 27 लाइन बनाई हुई है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी 27 लाइन। अब इसको चलिए हम सिलाई करते हैं इसकी। सिलाई कैसे करेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हमने सुई लिया और इसी धागे में डाल लिया। अब इसको हमने उल्टा सिलना है, उल्टा करके। तो देखिए इस साइड हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये दोनों पार्ट पहले हमने सिलना है, ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे हम सिलेंगे। तो सिलाई देखिए हमने ये दोनों चैन में लेते हुए हमने नॉर्मल सिलाई करनी है। बहुत इजी है ये और बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। इसके पहले मैंने
इस सेट का आप लोग को कैप भी बनाना बताया है, अभी लास्ट में मैं उस कैप को भी दिखा दूंगी। फिर हमने सिलाई कर ली तो इसको हमने यहाँ पे पक्का कर लेना है। धागे को कट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलने के बाद धागे को हमने कट किया और यहाँ पे हमने नॉट लगाया। देखिए मैं यहाँ पे गांठ डाल दी। अब देखिए ये आगे वाला पार्ट देखिए कैसे हम सिलेंगे। इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। इधर से आपने नौ धारी छोड़ के देखें। देखिए फ्रेंड्स, नौ धारी छोड़ लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ हमने यहाँ पे ऐसे छोड़ा और इसको हम ऐसे लाएंगे। ठीक, नौ धारी इधर से छोड़ी। अब देखिए ये जो हमारी जाली बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जाली बनी है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, तो 10 जाली बनी है। सिर्फ हमने ये दो जाली की सिलाई करनी है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 यहाँ से, ठीक, यहाँ से लेके ऐसे ये दो जाली की हमने सिर्फ सिलाई करनी है वाइट वाले की, और बाकी का ये सिलाई करना है और इधर के साइड छूटा रहेगा। फिर से एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमने ये धारी छोड़ के, और दो धारी ये वाली हम ले लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे सिलेंगे। आप इस पे चाहे वाइट लगाएंगे चाहे रेड, तो दोनों साइड एक ही एक कलर है, तो इसलिए हम रेड ही लगा दिए हैं क्योंकि रेड ज़्यादा है। आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे सिलाई करनी। इधर से सिर्फ नौ लाइन छोड़ के और उधर वाला जो पार्ट है जाली वाला, उसका दो लाइन लेना है, सिर्फ दो जाली के लाइन का, बाकी के ऐसे ही सिलाई हमने ये हमारी जो चैन बनती आई है दोनों चैन को लेके ऐसे सिलना है। ये हमने 3 ply वूल में बनाया है, इसलिए ज़्यादा इसमें चमक की वजह से क्लियर नहीं आ रहा है। आप नॉर्मल वूल से बनाइए, इसीलिए आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में रहे। ये हम फोल्ड करने के लिए इतना छोड़े हैं, ऐसे रहेगा। ठीक, इतनी सिलाई हो गई। अब यहाँ पर धागे को हम पक्का करके कट कर देते हैं। देखिए इस साइड आ गए, तो इस साइड भी हम 9 लाइन ये काउंट करके छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन छोड़ के और ये दो लाइन लेते हुए हमने ये सिलाई करनी है वाइट के दो, 1 2। सारे हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। सिंपल बनाना है, बस सिलाई में थोड़ी सी आपने ध्यान देनी है, बाकी सब सिंपल ही बना है। सिलाई में आप काउंट करके सिलाएं, जैसे हमने काउंट करके सिलाई गिन के 9 धारी छोड़ के।
देखिए ये हमारी इतनी सिलाई हो गई है। अब हम यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, ऐसे हमारी इतनी सिलाई हुई, फिर इधर से हुई इधर से, ये देखिए जो हमारा सेंटर का है यहाँ से लेके यहाँ पे हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे हमने यहाँ पे टाके डालने हैं ऐसे, सेम उसी लाइन में ही डालने हैं जहाँ से हमने ये सिलाई शुरू की थी। ये देखिए हमने इसको ऐसे खींच लिया। अब इसको हमने 2 से 3 बार यहाँ पे देखिए नॉट लगा लेनी है, यानी पक्की कर लेनी है। यहाँ पे देखिए एक बार और हम करके फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब इसको हम सीधा करते हैं, सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसे बन के आएगा। इसको हम ऐसे पलटेंगे, ठीक, ये वाइट वाला जो है इसको देखिए ऐसे हम पलटते हैं, पलट के आप यहाँ पे चाहें तो देखिए कोई बटन लगाइए या मोती लगा सकते हैं। तो चलिए मेरे पास बटन है, मैं उसको लगा के दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ पे ऐसे टक कर दिया, ऐसे करके बस आपने ये जाली वाली जो है इसको हमने ऐसे पलट देना। अब यहाँ पे देखिए हमने ये 3 मेरे पास ब्लैक कलर के बटन है तो इसको हम लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सुई लिया है और उसमें ब्लैक कलर का ऊन डाला है। अब देखिए एक हम यहाँ पे लगाएंगे इसके नोच के लिए और एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो चलिए लगा के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये 3 हमने ये ब्लैक कलर के बटन लगा दिए। आपके पास मोती हो तो मोती भी लगा सकते हैं। तो कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स ये देखिए। अब आपने क्या करना है, हमने वाइट कलर का ऊन लेके और यहाँ से आप फंदे उठाने हैं पट्टी बनाने के लिए, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो हम वाइट कलर से बना रहे हैं, इसकी पट्टी वाइट कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 2 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन से हम फंदे को उठाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टोटल 18 फंदे उठा लिए हैं, यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक हमने एक एक करते हुए फंदे टोटल 18 उठा लिए हैं। 18 फंदे लेने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 15 फंदे बढ़ा लेना है। तो चलिए हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे, 1 2 ऐसे ही 15 फंदे हमने बढ़ा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स इन्हीं फंदे को 15 ही 18 ही इन्हीं फंदे को हमने 3 से 4 सिलाई बुन लेना है दोनों साइड से उल्टा उल्टा। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे कि सेकंड पैर का यानी दूसरे पैर का आप लोग को कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये 6 सिलाई हमने बिना 1 2 3 3 धारी बन के आई है, 6 सिलाई बनाई है। अब देखिए पीछे की साइड से हमने सभी फंदे को बंद करना है। तो फंदे को हम बंद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 फंदे को हम एक साथ बनाएंगे, फिर इस फंदे को इसके ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे इस फंदे को भी दोनों को एक साथ बना दिया।
ऐसे हमने ये सभी फंदे को बंद कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी पट्टी हमने ये बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हमने ऐसे बटन लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक बटन लगाएंगे, आप चाहें जैसे भी बटन लगा सकते हैं। अंदर सिटीज बटन रहेगा, ऊपर से सो बटन। अब इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए टक करेंगे ताकि यहाँ पे गैप ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा टक कर दिया है सेंटर में ले जाके, ताकि यहाँ पे गैप ना दिखे। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टिच बटन लगाएंगे और यहाँ पे एक सो बटन, या तो ये ब्लैक कलर का ही बटन हम लगा देंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये बन के आई है। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि एक पैर का आपने ऐसे बनाना है और सेकंड पैर का आपने कैसे बनाना है। जैसे ये पट्टी हमारी इस साइड आई है तो ये पट्टी उस साइड जाएगी, तो आपने कैसे करना है। यहाँ से जो फंदे सेम, ये तो सेम एक ही जैसा बनेगा जैसे ये बना, सिर्फ पट्टी का मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से जैसे हमने ये उठाते हुए फंदे आए हैं, उसमें क्या करना है, आपको 15 फंदे पहले पट्टी पे ले लेना है। मतलब 15 फंदे पहले सिलाई पे आपने डाल लेना है। जैसे आपने यहाँ पे 15 फंदे डाल लिए, 15 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स, फिर आपने देखिए जैसे हम इस साइड से फंदे उठाए हैं 15 फंदे, लेकिन लेने के बाद यहाँ पे जैसे हमने फंदे उठाते हुए बनाते हुए गए हैं, फिर इधर फंदे हमने बढ़ाया हुआ है 15 फंदा, लेकिन इसमें क्या करना है, पहले 15 फंदे लेते हुए ताकि ये वाला ऐसे पट्टी यहाँ पे आए, ठीक। बस ऐसे ही आपने करना है, पहले आपने 15 फंदे ले लेना है, फिर यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो ये वाली पट्टी जो है हमारी इस साइड ऐसे आएगी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, ये देखिए आप इसको अपने छोटे बच्चों को पहनाएंगे, बहुत ही प्यारा ये बन के आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब कितना अच्छा लग रहा है ये बन के। ज़रूर आप लोग, ये आपको 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने ये कैप बनाया सेम इसी की मैचिंग की। ये देखिए सॉक्स भी हो गई, लेकिन ये मैंने 3 मंथ से लेके न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ तक का बच्चे के लिए, 3 मंथ के बच्चे को आएगा, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो आप ऐसे दोनों साइज का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।